जनपद गौतम बुद्ध नगर के ग्रेटर नोएडा के छपरौला गांव के पास ब्रिजबिहार कॉलोनी में बाइक सवार दो हमलावरों ने घर में घुसकर एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस को मौके से तीन खोखे मिले हैं। वो पहले पति विनोद को छोड़कर करीब एक साल से आरटीओ में एजेंट का काम करने वाले मौसम कुमार के साथ रह रही थी। मौसम ने सोनी को अपनी पत्नी बताया और विनोद पर हत्या का आरोप लगाते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस की तीन टीमें आरोपियों की तलाश में जुटी है। जीटी रोड स्थित छपरौला गांव के पास ब्रिजबिहार कॉलोनी में सोनी अपनी 10 वर्षीय बेटी और मौसम कुमार के साथ रहती थी। मूल रूप से बिहार निवासी सोनी की शादी बिहार के रहने वाले विनोद से हुई थी। मौसम नोएडा स्थित कार्यालय में परिवहन कार्यालय परिसर में एजेंट का काम करता है। मंगलवार को बाइक सवार दो नकाबपोश महिला के घर पहुंचे आरोपियों ने दरवाजा खुलवाया और कुछ पूछताछ के बाद उसके सिर में गोली मार दी। गोली चलने की आवाज सुनकर पड़ोसी सोनी के घर की तरफ दौड़ पड़े और उन्होंने आरोपियों को घेरने का भी प्रयास किया, लेकिन हमलावर फायरिंग करते हुए भाग गए। लोगों का कहना है कि हमलावरों ने 5 गोली चलाई, लेकिन पुलिस ने 3 गोली चलने की जानकारी दी है। आसपास के लोग सोनी को अस्पताल ले गए, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस ने बताया कि घर में घुसते ही आरोपियों ने नकाब हटा लिया था। इसके बाद सोनी से कहा कि वह ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहते हैं। सोनी ने कहा कि मौसम घर पर नहीं है, तो नकाबपोश बदमाशों ने कहा कि उनसे बात करा दो। सोनी ने अपने मोबाइल से ही मौसम को कॉल लगाकर हमलावरों की बात कराई। फोन करते ही हमलावरों ने गोली चला दी। घर में घुसने के बावजूद हमलावरों ने सोनी से कॉल कराकर मौसम से बात की। इससे आशंका है कि हमलावरों को सोनी की पहचान नहीं थी और हत्या सुपारी देकर कराई गई है। पुलिस की जांच में आरोपी वारदात के लिए आते जाते सीसीटीवी में कैद हुए हैं।